थैंक यू कल्कि, थैंक यू सर। गुड इवनिंग। एक नए तरीके का प्रमोशन, नया तरीका नसीर साहब बाइक पे और यू नो कल्कि चलाती हुई, बारे में क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? नसीर साहब जो भी करते हैं वो बहुत कमाल होता है, और उनके बारे में हम, हमारी कुछ औकात नहीं कि हम उनके बारे में कुछ बोल सकें। उन्होंने ये किया तो उनका हमने देखा, बस हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ऑफकोर्स आजकल प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, और उसके लिए लोग अलग अलग तरीके ढूंढते रहते हैं। तो आई थिंक दिस वॉज देयर वे टू प्रमोट देयर फिल्म, एंड आई एम फुली सपोर्टिंग द फिल्म। Oh, of course, we all are waiting for not someone as such in a person, but anything. It can be anything. Yeah. And about for your films? Yes, I'm waiting for my films actually. So I've done some really important, interesting films. One is with Vikram Motwani sir. Another one is called Newton, which is with the same producer, Disham Films. And there's something which me and Hansal sir are also doing. नो एब्सोल्युटली आई टोटली एग्री। आई थिंक ट्रेलर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रेलर से ही आपकी फिल्म का एक लुक आता है, आपकी फिल्म का एक फील बाहर आता है। आई तो रियली पर्सनली फील कि ट्रेलर ही है जो सबसे ज़्यादा ऑडियंस को खींचता है। आई थिंक उस पर सबसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, बिकॉज दैट्स वॉट पीपल आर गोना कम एंड वॉच। बहुत अच्छा रहा। न्यूयॉर्क इज ऑलवेज फैंटास्टिक, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट सिटीज इन द वर्ल्ड, एंड आई लव द केओस, आई लव द एनर्जी ऑफ न्यूयॉर्क, आई जस्ट लव बींग देयर, यू नो, यू कैन रोम अराउंड ऑन स्ट्रीट्स। Oh yeah, yeah, there are. Oh yeah, that was. It was fun. How do you see the media? The no, nothing. I think yeah, you guys are doing your job. We are doing our job. So we all are doing our job. The one film you were excited about, you know, the one which is there in the pipeline, you said Vikram Aditya Motwani. I'm excited for all the films. Yeah, Vikram Aditya Motwani sir's film, Hansal sir's film, and Newton, which is with Disham only, and this film called Love Sonia, which I'm done with, which is an international film about child trafficking. So some interesting work, I guess. मैं पूछूं आपसे थोड़ा सा अलग से, आपको लगता है कि कोई जैसे सरकारी एट अ गवर्नमेंट पोजीशन, लाइक एट अ गवर्नमेंट फंक्शन, अ पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग अ बी ओवर देयर शुड बी क्लियर इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस, लाइक मैं अबाउट व्हाट, लाइक गिव मी एन एग्जांपल। अगर किसी के ऊपर किसी तरह का विवाद चल रहा है तो क्या उसे किसी गवर्नमेंट फंक्शन में प्रस्तुत होना चाहिए? आपको ऐसा लगता है कि लाइक नो, इट्स देयर पर्सनल चॉइस, इफ दे फील लाइक दे हैव टू गो इन अ गवर्नमेंट बॉडी, they are right in their choice. If they feel like doing it, they should do it. पर क्या सरकार को ऐसा प्रस्ताव देना भी चाहिए कि जब उन्हें मालूम है किसी के ऊपर कुछ जांच चल रही है तो ऐसे बुलाना चाहिए? See, ये सरकार को डिसाइड करना है। मैं तो सरकार में हूँ नहीं, ना ही मैं पॉलिटिक्स में हूँ, मैं एक्टिंग में हूँ। तो एक्टिंग में अगर आपके कोई सवाल है फिल्म के ऊपर, सवाल तो मैं जवाब दूंगा। बाकी सरकार क्या डिसाइड करेगी ये तो, अगर मेरे कहने से सरकार चलती तो मेरे पास तो बहुत कुछ है कहने के लिए। बहुत अच्छा जवाब है आपका। मैं बता दूँ क्या हुआ था कि वो देयर वाज सम गवर्नमेंट टू ईयर कंप्लीट
rating, self-government cup rating 2 years. So there's a big function happening in New Delhi. Okay. So they have invited someone, a very reputed, very respected from our industry. But there are some cases pending him. So the opposition tried to argue in this, like, why you have invited someone who's already involved in some investigations are going on. तो आई थिंक मेरा जवाब भी आपको मिल गया. जी इट्स देयर पर्सनल चॉइस, उनको जाना है कि नहीं जाना है, एंड इट्स गवर्नमेंट्स चॉइस कि उनको उसके बारे में क्या करना है. बहुत बहुत अच्छा जवाब. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू राज. थैंक यू राज. अब क्या करें, ये दैट्स द जॉब ऑफ अ डायरेक्टर दिस डेज, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक्चुअली कल की हैड गॉन ऑन अ ट्रिप टू नॉर्थ ईस्ट फॉर अ टीवी शो. तो वो यू नो दो हफ्ते वो बाइक में शी इज बीन डन अ रोड ट्रिप, एंड सो हर जगह वो बाइक पे जा रही है. तो हमने सोचा कि क्यों नहीं, मतलब आई थिंक इट मेक्स सेंस फॉर यू टू ब्रिंग, बिकॉज दिस इट इज़ अबाउट यू नो हाउ दीज टू पीपल हेल्प ईच अदर. सो इट इज़ अ बिट लाइक द फिल्म, सो विच वी थॉट इज अ ग्रेट आइडिया इफ दे कुड कम ऑन अ बाइक. एंड बोथ कल्की एंड नसीर सर, या दैट्स अ फैंटास्टिक आइडिया. सो व्हाई वेट कैप्ट फिल्मिंग वेटिंग वेटिंग बिकॉज इट इज़ अ फिल्म वेयर दीज टू पीपल आर वेटिंग इन अ हॉस्पिटल. And they're waiting for their spouses because they are in a coma. But the film is about waiting because we're all waiting in life for something to happen. So yeah, at a philosophical level, it's a film about waiting. अरे हाँ नसीर, हमने सोचा था कि वो बोलेंगे नहीं, but he said, oh, I'd love to do that. So he surprises now and then, yeah. 48 घंटे भी नहीं रह गए हैं प्रतीक्षा के लिए. Yes. Butterflies, yeah, lots of butterflies. अभी तो zoo है पेट में. I hope, yeah, the audience loves the film and it's. आज mainly it's cast and crew, and we've invited a lot of friends from the industry, some media, but mostly it's all the people who worked on the film. So this is a big night. Okay, during the course of interaction, Nasir saab said, you know, he'll have to do a sequel of Waiting. Yeah, what sure. What would be your reaction on this? अभी तो पता नहीं, अभी ये तो खत्म हो जाए. वेटिंग टू आई डोंट नो, आई थिंक एज अ राइटर डायरेक्टर इट्स डिफिकल्ट टू टॉक लाइक दैट, बट आई थिंक दे बोथ हैव सच ए ब्यूटिफुल केमिस्ट्री इन द फिल्म एंड आई थिंक दे आर रियली गुड टुगेदर. सो आई फील बहुत सारे लोगों ने बोला कि वो बहुत जल्दी फिल्म खत्म हो गई, तो मे बी यू नो द ऑडियंस वॉन्ट्स टू सी अ बिट मोर ऑफ देम. सो या मे बी अनदर फॉर्म विल ब्रिंग देम टुगेदर. इसका शीर्षक भी इन्होंने ही दिया है, स्टिल वेटिंग. स्टिल वेटिंग, आपको पता है ना ही सार्कास्टिक. या थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. थैंक यू सो मच. अपूर्वा यू चेंज एंड यू केम बैक बैंड्रा से लंबा दूरी की मूवी थी, स्पोर्टिंग ही आपने किया है ये कि मतलब चेंज वेंज करके यू रेडी फॉर द प्रीमियर, फर्स्ट फिल्म फर्स्ट प्रीमियर, व्हाई नॉट. और ये इसका एक अंदाज भी अच्छा था, नसीर साहब को आपने बाइक पे बिठाया. जी, ये किसका विचार था ऐसा? ऐसा है, कल्की ने अभी एक रोड ट्रिप की थी मोटरबाइक पे, उन्होंने पूरा नॉर्थ ईस्ट किया था, जिसलिए वो बीच में 10-15 दिन यहाँ नहीं थी हमारी फिल्म के प्रमोशन के लिए. और क्योंकि वो रोड ट्रिप किया, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि मैं तो अब बाइक बॉम्बे में पूरा चलाती हूँ. तो हमने सोचा कि ये एक बहुत अच्छा आइडिया होगा अगर वो इस तरह आए, एंड शी इज़ वेरी, मतलब शी इज़ हरसेल्फ वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट. तो फिर उनकी एक्साइटमेंट तो थी, नसीर साहब को थोड़ा बात करने में हम ये सोच रहे थे कौन बात करेगा नसीर साहब से कि आप बैठेंगे बाइक पे कि नहीं, बट आई थिंक लकीली इट जस्ट नीडेड वन मेंशन एंड ही वाज वेरी एक्साइटेड. टुडे इन द आफ्टरनून ही सेड, ओह व्हेन आर वी डूइंग द बाइक थिंग. सो या इट टर्नड आउट काफी अपील है उस फिल्म को लेकर, हम बता रहे थे लाइक इट्स वेरी अपील फॉर द फिल्म. जी दैट्स शुक्रिया, आई मीन दैट्स दैट फील्स वेरी नाइस, ही इज प्राउड ऑफ द फिल्म. Okay, film making is always a serious business, you know, and you are coming with a wonderful idea that to even the teaser promo that we shared by everybody. How many screens, you know, you'll be releasing your film? So we're releasing in about 300 screens initially, and then we'll see where it goes. I think we are in all multiplexes. हमें पता है कि ये फिल्म एक पर्टिकुलर, मतलब एक से हाँ मासेस तक शायद नहीं पहुँच पाएगी, बट हम चाहते हैं कि वो
पहुंचे, सब जगह पहुंचे। ओके, व्हाट मैसेज डू यू वांट टू गिव द ऑडियंस व्हाई दे कम एंड बी अ पार्ट ऑफ वेटिंग? सो कुछ फिल्में ऐसी होती है जो आप देखेंगे और आप उसमें थोड़ा हंसेंगे, थोड़ा रोएंगे, वो थॉट आपके साथ रहेगा, आप उसके बारे में सोचेंगे कई दिनों तक, एंड मे बी अ फ्यू डेज लेटर यू विल से मेरे को थोड़ा सा उसमें वो फिर से देखना है। वेटिंग इज़ अ फिल्म लाइक दैट दैट यू'ड लाइक टू रीविजिट अगेन एंड अगेन, एंड हर बार आप जब वो देखेंगे तब एक नया इमोशन, नया थॉट उसमें नज़र आएगा। कोई मैसेज नहीं है इस फिल्म में कि बहुत प्रीची है कि हम कोई चीज़ एक मैसेज देना चाहते हैं, पर हर समय आप जब देखते हैं, मैंने ये फिल्म क्योंकि एडिट टेबल पे और कई बार उसके बाद देखी है, पर हर समय जब मैं देखती हूँ कुछ एक नया इमोशन मिलता है कि हाँ ऐसा मेरे साथ भी हुआ। सो आई एम श्योर ऐसा ऑडियंस के साथ भी होगा। देखिए ये तो हमेशा एक कई बार मतलब ये ओपिनियन तो हमेशा रहती है, कई बार लोगों को ऐसा लगता है बहुत लंबी है फिल्म, का किसी को लगता है कि नहीं थोड़ी सी छोटी है, कोई भी फिल्म के लिए रहता है, ये सिर्फ इस फिल्म के लिए नहीं। पर इस आई थिंक जो आइडिया हम या जो इमोशंस हम कन्वे करना चाहते थे इस फिल्म के माध्यम से, वो इतने समय में बहुत अच्छे से होती है। आपको कहीं ऑडियंस का भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप बोर हो रहे हैं, कि फिल्म खींच रही है, कि कहीं पे कुछ ऐसा इस तरह का महसूस हुआ। एंड आई थिंक दैट इज़ द आइडिया ऑफ द फिल्म, कि आपको एक मिनट भी ऐसा नहीं लगना चाहिए अच्छा अब नेक्स्ट सीन कब आएगा। सो That's the whole idea. Is it a fiction or it's inspired by some real story? So, I think it is a part of everybody's real story. The thought came from a real story. When the script was written, when Anu wrote the story, it came. The initial thought was from a personal experience. Lekin eventually, it went on to when you read the script, I read the script. It was my personal story. When you see the film, you'll say, "Ye meri personal story hai." और जितनी बार हमने फिल्म को फेस्टिवल्स में या जहाँ ऑडियंस आई है देखने के लिए, एटलीस्ट 20-30 जनों ने आके हमको ये बोला है कि ये मेरे साथ एग्जैक्टली यही हुआ था। इनफैक्ट लंदन फिल्म फेस्टिवल में जब हमने दिखाया तो एक बहुत फेमस एक्टर थे हमारे, सईद जाफरी, उनकी वाइफ थी वहाँ एक अवार्ड लेने के लिए, और उन्होंने स्टेज पर मतलब वो लिटरली उनके आंसू आ गए, बोले मैं जब ये फिल्म देख रही थी मेरे को ऐसा लग रहा था कोई मेरी कहानी कह रहा है स्क्रीन पर। Thank you so much. Thank you so much. Wish you all the best.